हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिकोनेट क्या होता है, पिकोनेट के क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये किस तरह का नेटवर्क होता है। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले चीज़ हम जानेंगे पिकोनेट शब्द। जैसा कि हम जानते हैं पिकोनेट की स्पेलिंग है PICONET। तो ये बना है दो शब्दों से, एक है पीको और दूसरा नेट। इसको समझते हैं सबसे पहले। पीको का मतलब है 1 trillionth part, यानी कोई भी एक वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी है, तो उसका जो 1 trillionth part होता है, इसको हम साइंस में डिनोट करते हैं पीको टर्म से। तो इसका सीधी भाषा में एक मतलब कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा, ठीक है। दूसरा है नेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेटवर्क को हम शॉर्ट फॉर्म में नेट कहते हैं। तो इन दोनों से मिलकर बनता है पीकोनेट, यानी कि एक बहुत ही छोटा नेटवर्क। आइए अब जानते हैं पीकोनेट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पीकोनेट इज़ अ ब्लूटूथ नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीकोनेट जो है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है, यानी इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि इट इज़ अ वायरलेस नेटवर्क। ओके, आगे देखते हैं। इट कंप्राइजेज अ मिनिमम ऑफ 2 डिवाइस, यानी कि इसमें कम से कम 2 डिवाइस रहेंगे, जिनमें से एक डिवाइस जो रहेगा वो मास्टर कहलाएगा और दूसरा जो डिवाइस रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्लेव। ओके, अब एक खास बात ये है कि अ पिकोनेट कैन हैव अप टू 8 डिवाइसेस, यानी कि इसमें टोटल डिवाइसेस की जो संख्या है, यानी एक पिकोनेट में टोटल 8 डिवाइस हो सकते हैं, जिनमें से एक मास्टर रहेगा और बाकी 7 क्या रहेंगे, स्लेव्स। ओके, साथ ही इसमें जो मास्टर डिवाइस होता है वो एज अ हब काम करता है, यानी कि इस मास्टर डिवाइस को हब कहा जाता है। आइए आगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा मास्टर डिवाइस, जिसे हम क्या कहते हैं, हब। और ये जो साथ में हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ये सारे स्लेव्स कहलाते हैं। ओके, तो आप एक पिकोनेट में 255 डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम 255 डिवाइसेस को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव डिवाइसेस जो होंगे अप टू, मैंने मैक्सिमम एक्टिव डिवाइसेस जो होंगे वो 7 होंगे, और एक तो आपको पता है कि वो मास्टर रहेगा, बाकी 7 जो होंगे वो स्लेव्स रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि S1 से लेके S7 जो हैं वो तो एक्टिव हैं, तो बाकी जो बचे हैं S8 से लेके S255 तक के, ठीक है, इनमें से अगर किसी एक को, यानी ये तो क्या कहलाए, इनको हम कहेंगे पार्क्ड, इनके लिए टर्म है पार्क्ड या फिर इनएक्टिव, ठीक है, क्योंकि एक्टिव कौन है, S1 से लेके S7 जो है, और जो 255 में से बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्क्ड, यानी वो पार्क किया हुआ रखा है, वो अभी यूज़ में नहीं है। तो उन पार्क में से अगर किसी को ये जो पिकोनेट है इसमें ऐड करना है, तो ये ऑलरेडी जो एक्टिव है उनमें से किसी एक को पार्क्ड स्टेट में या फिर इनएक्टिव स्टेट में जाना पड़ेगा। तो इसी से ये चीज़ क्लियर होती है कि इसमें मैक्स टू मैक्स 7 स्लेव्स ही, यानी टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो 8 रहेंगे, इनमें से 7 स्लेव्स रहेंगे और एक आपका मास्टर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पिकोनेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।